तो फ्रेंड्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी और ये देखिए जितनी देखने में ये अच्छी है उतनी खाने में लाजवाब बनी हुई है जैसे होटल और शादियों में हम खाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से बनी हुई है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने देखिए चिकन बिरयानी मिक्स लिया है या आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं मैंने सुहाना का लिया है और आप लोग एक बार प्लीज़ इस रेसिपी में ये मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा यह आपको इतना ज़बरदस्त टेस्ट देता है जैसे आप कोई रेस्टोरेंट या शादी में खा रहे हो ये 200 ग्राम चावल के लिए इतना मसाला है लेकिन आपको मैं साढ़े सात सौ ग्राम चावल के लिए इसे यूज़ करके बताऊँगी तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अदरक ले लिए थोड़ी सी लहस लहसुन है पाँचे हरी मिर्च है साथ में मैं, मैं यहाँ पे पुदीना ले रही हूँ और इसे हम पानी डाल के अच्छा बारिक पेस्ट बना लेंगे और यहाँ पे देखे मैंने इसे पेस्ट बना लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ ये अच्छे से मैंने बारिक पेस्ट बनाया है साथ ही में मैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक किलो चिकन तो साढ़े सात सौ ग्राम अगर चावल हमने लिया है तो हम एक किलो चिकन लेंगे ये रेशियो परफेक्ट है चिकन बिरयानी के लिए कभी भी चिकन बिरयानी जब आप बनाएं तो आप जितना चावल लें उसमें पाव किलो आप चिकन ज़्यादा ऐड करें तभी ये बाहर के जैसी बनती है और इक्वेशन बराबर होता है तो यहाँ पे देखिए जो हमने मसाला पीस के रखा था वो ऐड कर दिया है साथ में यहाँ पे 400 ग्राम के करीब मैं दही ऐड कर रही हूँ ये खट्टा नहीं है और इसी के साथ में जो हमने मसाला लिया था ये इसे मैं ऐड कर देंगे और इसके अलावा हमें इसके अंदर सिर्फ दो चम्मच में धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ जिससे हमारी ग्रेवी जो है थोड़ी सी थिक बनेगी और इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा और साथ ही मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ इसमें हमें अपने स्वाद अनुसार आप नमक इस टाइम पे आप ना मत डालिएगा क्योंकि मसाले में भी नमक होता है तो आप जब चिकन पकाएँगे तो उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा फिर नमक ऐड कीजिएगा और यहाँ पे देखिए हमने सब चीज़ डाल दिया इसे हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हमें एक घंटा इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और देखिए यहाँ पे मैं इसे रख देती हूँ और यहाँ पे एक घंटा जब हो चुका है तो मैंने यहाँ पे देखिए पानी गर्म करने रख दिया था चावलों के लिए तो यहाँ पर मैंने तीन से चार लीटर करीब पानी ले लिया है और इसके अंदर सारे खड़े गरम मसाले हम ऐड कर देंगे तो उसके अंदर मैंने ऐड किया है तेज़पत्ता चक्री फूल है साथ में दो इलायची है जावित्री है दालचीनी है उसी के साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर दिया है उसी के साथ हम लौंग ऐड कर दे रहे हैं और इसके अंदर हमारे चावल खिले खिले बने उसके लिए हम नींबू ऐड कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम कर देंगे चार से पांच हरी मिर्च भी ऐड आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना और इसी के साथ में मैं यहाँ पे नमक भी ऐड कर दूँगी तो नमक हमें इतना डालना है जितना देखिए समुद्र का पानी रहता है ना खारा उसके हिसाब का हमें खारा इसमें डालना है जिससे हमारे चावल जो है वो अच्छे से नमकीन बनेंगे अगर आप कम डालेंगे ना तो चावल हमारे नमकीन नहीं बनते हैं चावलों में कमी रह जाती है तो आप ज़रूर उस तरीके से डालिएगा और देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है तो मैंने यहाँ पे साढ़े सात सौ ग्राम चावल बासमती लिया था ये, ये दावत का चावल है आप चाहे कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और ये मैंने एक घंटा पहले इसे रख दिया था धो के और यहाँ पे देखिए इसमें मैं सारा ऐड कर दे रही हूँ और साथ ही में मैंने इसमें दो से तीन चम्मच ऑयल भी ऐड किया था पानी में जिससे हमारे चावल खिले खिले बने तो अब हम इसे अच्छे से 80 परसेंट तक कुक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे चावल जो हैं अच्छे से कुक हो चुके हैं ये 80 परसेंट कुक हो गया है तो यहाँ पर अच्छे से आप बिना एफर्ट के टूट जा रहे हैं मतलब हमारे चावल परफेक्ट है तो अब हम इसे बंद करके और इसका पानी पूरा निकाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे तो यहाँ पे देखिए अब हमने कढ़ाई चढ़ा ली है कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है सरसों का तेल आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं साथ ही में मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब प्याज ले लिया है और इसे भी इस तरह से पतले पतले स्लाइस में मैंने काट के ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है इसके अंदर हमने कोई भी खड़े मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि जो हमने बिरयानी मसाला का पैकेट यूज़ किया था उसके अंदर सारे खड़े मसाले खड़े मसाले रहते हैं तो आपको अलग से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी तो देखिए हमारा जो प्याज था वो गोल्डन फ्राई हो गया तो मैंने थोड़ा सा उसमें से निकाल लिया है गार्निशिंग के लिए और यहाँ पर जो हमारा चिकन था एक घंटा हो गया था तो इसे भी मैरिनेट करने के लिए हमने रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे ऊपर नीचे करके और इसके अंदर देखिए हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है एकदम इजी तरीके से बनने वाली रेसिपी है आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको कोई भी ब्रांड का मसाला मिलता है आप उसे यूज़ कीजिए लेकिन एक बार आप इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा आप इसके बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे आपको ये बहुत पसंद आएगी तो अब हम इसे रख देंगे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए हमें चिकन को बारीक आँच पे इसे रख देना है पकने के लिए तो यहाँ पे देखिए पंद्रह से बीस मिनट हो चुका था तो मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ इसका कलर कितना अच्छा आया है और चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है और इसके अंदर देखिए ग्रेवी भी परफेक्ट है जिसमें हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है ये चिकन और दही का अपना पानी छुटा हुआ है तो आप इसमें पानी मत ऐड कीजिएगा और अगर आपका ग्रेवी जल रही हो तो आप पानी ऐड कीजिएगा देखिए मैं आपको चिकन भी चेक करके बता देती हूँ कि ये कितने अच्छे से कुक हो चुका है तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा ये बहुत इजी तरीका है तो यहाँ देखिए चिकन हमारा अच्छे से ब्रेक हो रहा है तो अब हम इसे बंद कर देते हैं और हम लेयरिंग लगाएंगे बिरयानी की तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं और देखें यहाँ पे मैंने ले लिया है बर्तन जिसमें हमने चावल पकाया था तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले ना इसमें चिकन ऐड कर देंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा उसके साथ में हम ग्रेवी भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे जिससे चिकन एक ही तरफ ना रहे और इसके ऊपर अब हम चावल ऐड कर देंगे तो हाँ मैं यहाँ पे तीन लेयर वाली बिरयानी बना रही हूँ आप चाहे तो दो ही लेयर में आप बना सकते हैं तो चिकन मैंने ऐड किया उसके बाद में देखिए मैंने चावल भी ऐड कर दिया अब हम इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पे दो फूड कलर ऐड कर रही हूँ एक ऑरेंज है और एक रेड कलर का है तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है अब इसके ऊपर हमें फिर से चिकन हम ऐड कर देंगे तो जैसे मैंने कहा कि मैं तीन लेयर में बनाऊँगी तो आप चाहें तो दो ही लेयर में बना सकते हैं तो या फिर एक लेयर में आप बना सकते हैं चिकन नीचे और पूरा चावल ऊपर रख के तो इस तरह से देखिए हमें चिकन फैला लेना है उसके बाद में मैं इसमें फिर से चावल ऐड कर देती हूँ और हमारे चावल आप देख सकते हैं खिले खिले बने हुए हैं बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं और इसके अंदर देखिए हम चिकन ऐड कर देंगे और इसी तरह से हमारी जो लेयरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे मैं चिकन जितना भी अब बचा था ना वो सारा यहीं इसी स्टेज पे ऐड कर देती हूँ और उसके साथ में हम इसके ऊपर कलर भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमने जितनी भी ग्रेवी थी ना वो सारी यहाँ पे हमने डाल दी है और ये ग्रेवी और रेशियो एकदम परफेक्ट है देखिए ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है ज़्यादा चावल में गीला भी नहीं होगा ये परफेक्ट बनेगा और रूखा भी नहीं बनता है कभी कभी ये हो जाता है कि ग्रेवी कम पड़ जाती है तो बिरयानी में इतना मज़ा नहीं आता है लेकिन देखिए यहाँ पे यह परफेक्ट है और यहाँ पर अब हम कलर ऐड कर देंगे तो मैंने यहाँ पर कलर ऐड कर दिया है अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमारे बाकी बचे हुए चावल हैं उसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिया है जितना भी हमारा चावल बचा हुआ था और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमारा कलर है ना वो कलर ऐड कर देंगे आप चाहे तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा अच्छा लुक देता है जैसे बाहर हम खाते हैं ना उसी तरीके से ये बनता है तो यहाँ पे मैंने कलर ऐड कर दिया साथ में देखिए चिकन के ऊपर ना जब हमने बन कर दिया तो उसके उसके ऊपर तेल ऐसे थोड़ा सा जमा हो गया था तो मैंने वो तेल निकाल के ऊपर से ऐड कर दिया है आप जो सादा हम लोग तेल ऐड करते हैं ना उसमें इतना टेस्ट नहीं आता आप एक बार ना इस तरह से ग्रेवी वाला तेल ऐड कीजिए इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और देखिए फ्राई ऑनियन जो हमने निकाला था ना वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छे से और इसे अब हम गैस पे रख देते हैं और स्लो पहले हमें दो तीन मिनट के लिए ना फास्ट गैस रखनी है उसके बाद में देखिए इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा रख देना है और इसी के ऊपर अब हम इसका ढक्कन रख देंगे और इसे अच्छे से कवर uh, कर देंगे और दो तीन मिनट के लिए स्लो करके हमें फ़ास्ट करके रखना है और दस मिनट के लिए हमें स्लो गैस पे रखना है जिससे हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाए तो ये देखिए हमारा दस मिनट यहाँ पे टोटल पंद्रह मिनट हो चुका था तो मैंने यहाँ पे अब हटा दिया है और आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी कितनी अच्छी बनी है और खिले खिले इसके चावल बने हुए हैं और ये बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बन के रेडी हुई है एकदम शादी और होटलों में जैसे हम खाते हैं ना बिल्कुल उसी के स्वाद की ये बनी हुई है तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी एक बार प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं और अगर आप बैचलर्स हैं तो बहुत लोगों को बिरयानी का रेशियो नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पे मैं देखिए इसे सर्व कर लेती हूँ और हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले से बन के रेडी हो चुके हैं और ये जितने दिखने जितना दिखने में अच्छी दिख रही है ना उतना ही खाने में टेस्टी है और बहुत लाजवाब सी रेसिपी है आप लोग एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा आप इसके फ़ैन हो जाएंगे ये आपके घर की फेवरेट हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे बिरयानी का कलर भी कितना अच्छा जबरदस्त आया है और आपको रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा और आ, इस चैनल पे और भी रेसिपीज है आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए मेरे चैनल पे और आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा थैंक यू